नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमेशा चर्चा रहता है कि बकरी पालन में खिलाने में जितना फायदा नहीं उससे ज़्यादा बकरियां खा लेती हैं, तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है कि खर्च हम कैसे कम करें। वीडियो में बकरियों का सीन थोड़ा कम दिखेगा या ना दिखे, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो ये बकरियों के खाने के लिए चारा लगाया गया है, तो सीजन बाय सीजन चारे लगाना है। जो सीजन में जो चारे लगते हैं जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे सर्दियों में बरसीम बो देते हैं, तो जैसे ही सर्दी खत्म हुआ वो अभी तक बरसीम चलता है, अभी तक बरसीम चल रहा था आज के डेट तक मेरा, और उसके बाद ये जो मैं सूडान का फसल लगाया हूँ ये चलेगा। तो मैं जब भी फसल आप लगाएं, अगर खेत आपके पास दो तीन प्लॉट में है या एक ही प्लॉट बड़ा है, तो दो तीन भाग में करके लगाएं। एक आज लगाएं हैं तो एक दिन 20 दिन बाद लगाएं, फिर उसके 20 दिन बाद लगाएं, तीन भाग में, ताकि वो ड्योढ़िया आपको रूटीन वाइज कटता रहे और आपको चारों की कमी ना हो। तो 4 महीना मैंने बरसीम का घास खिलाया है और 4 माह ये मजे से ये चलेगा। तो 4 माह ये चलेगा तो 8 माह तो मेरा निकल गया हरे चारे पे बकरी पालन, जिसमें कि मैं बहुत 20% ही सूखा चारा मिलाया खिलाऊंगा, 80% ही रहेगा। और इसके बाद मैं एक सुपर नेपियर भी बो रहा हूँ, तो सुपर नेपियर बो दूंगा तो 12 महीने के लिए हो जाएगा, तो बीच में स्वाद बदलने के लिए ये भी चल रहा है और वो भी चल रहा है। तो इस टाइप से अगर खेत में अगर हरा चारा बोते हैं तो खर्च बहुत कम कर सकते हैं, और कोई खर्च फिक्स किसी का नहीं होता है भाई मेरे। जितना जो मेहनत करेगा वो अपना खर्च कम कर सकता है विकल्प को तलाशे। तो इस फसल के बारे में पूरा मैं जानकारी दूंगा। हालांकि आप जानते हैं हर गांव घर में हर देहात में ये सूडान, जिसे जिनोरा कहा जाता है, जिनरा बोला जाता है, जिसका बड़ा फसल जो तैयार हो चुका है वो भी मैं दिखाऊंगा जो देखेंगे, तो इसका बकरी पालन में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है अगर तरीके से न खिलाएं तो, क्योंकि इसमें टॉक्सिन की मात्रा बन जाता है। तो किस स्टेज में आए तो इसको खिलाना है और क्या व्यवस्था रखना है, क्या कितना मॉइस्चर होना चाहिए तो इसको खिलाना है, ये सभी मैं डिटेल में वो जो तैयार फसल है वहां चल के आपको इसके विवरण पूरा बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बोला था कि खेत में ले चल के आपको दिखाता हूँ कि जो बकरी पालन में खर्च कैसे कम कर सकते हैं, तो ये ज्वार है जिसको हम बिहार में जिनोरा भी बोलते हैं, जिनरा भी बोलते हैं, और आप अपने एरिया में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन इसका सूडान भी एक नाम है, सूडान इसको आप कह सकते हैं। और एक घास है, ये गाय भैंस जो पालते हैं ना वो जरूर लगाते हैं। ये बरसात और गर्मी का चारा है, तो ये सूडान लगा हुआ है, यानी कि जिनोरा देसी में कहा जाए। इसका बड़ा, इससे बड़ा फसल हो चुका है, वो भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो में पेशेंस रखें, पूरा देखें। नीरज जी बहुत कष्ट करके इस माहौल में यहाँ तक आए हैं और बहुत सारा सवाल का दिमाग में बवंडर इनका है, सवाल पूछने में नीरज जी चैंपियन है, आप लोग सब जानते हैं। तो बकरी पालन में सिर्फ बकरी ही देखने से आपका काम नहीं चलेगा, उसको खिलाने में कैसे खर्च करें कम करें, ये सही में बढ़िया सवाल है। तो इससे पहले मैं बरसीम खिला रहा था, जो कि मेरा आज के डेट इत्तेफाक है कि वो आज तक ही चला, तो कल से या फिर कोई नया चारा, पुराना चारा खत्म होने वाला हो और नया चारा पर बकरियों को ला रहे हैं, तो 10 दिन पहले से ही थोड़ा थोड़ा देना उसको शुरू कर दें। तो 10 दिन पहले से ही मैं इसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में, यानी कि 2% से मैं शुरू किया हूँ कि बरसीम भी खिला रहा था, 2% इसको भी डाल रहा था। करते 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 उसको मैं कुछ परसेंट 20% तक ले आया हूँ। अब ये बिल्कुल बरसीम खत्म हो चुका है, वो भी खत्म हो जो खेत दिखाऊंगा, और कल से पूरे ये 30% 40% धीरे धीरे करके 75-80% तक मैं इसी को खिलाऊंगा। तो ये छोटा है, अभी इसको बोए हुए हुआ है अभी 20 दिन, पहला फसल आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 20 दिन बोए हुए हो गया है, और इसको एक बोने के साथ पानी दे दिया गया था और आज 20वां दिन फिर पानी दे दिया गया है। ये अभी ये 4 से 5, 5, 6 इंची का ये हो चुका है। तो इससे पहले जो मैं बोया हूँ वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और उसको बकरियों को खिलाना मैं शुरू करूंगा, वो और उसको खत्म होते होते फिर ये शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास अपना खेती हो या फिर कोई किराया का खेती लेते हैं, जिसे कुछ खेत मेरा अपना भी है लेकिन बहुत सारे खेत मैं किराया पर लेके भी करता हूँ, जिसे ऊपर मैं ये ऊपर खेत देख रहा है टमाटर बोया हुआ था, वो मेरा ही था, मैं खेती भी करता हूँ, ये टमाटर बोया हुआ था, टमाटर का खेती ये खत्म हो गया। अब इसमें मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैं सुपर नेपियर बो दूंगा अगला साल से, इसमें टमाटर की खेती मैं नहीं करूंगा, उधर खेती करने के लिए मेरे और भी खेत हैं। और एक बात जान लीजिए दोस्त कि मेरा खेती बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें कुछ खेत मेरा अपना है और बाकी मैं किराए पर लेके खेती करता हूँ, जिसे 5 साल 10 साल के लिए मैं लोगों से किराया पर ले लेता हूँ खेत, और मैं करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मुझे उतना महंगा किराया नहीं पड़ेगा जितना कि मैं अगर चारा सिर्फ खरीद खिलाता हूँ तो महंगा पड़ सकता है। तो इसमें सुपर नेपियर बो दूंगा तो ये बहुवर्षीय चारा हो जाएगा, ये कुछ ऊंचाई पे है तो बरसात के पानी इसमें लगेगा नहीं, और ये नीचा है, ये नीचा है तो इसमें मैं सीजनली ही कर सकता हूँ। तो ये अभी बो दिया हूँ तो पूरा गर्मी चलेगा और बरसात में भी इतना जल्दी पानी इसमें नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बरसात करेगा तो इसमें पानी आके खराब हो सकता है। तो इससे ऊंचाई पर भी मैं इसको लगाया हूँ, तो ये बातों को ध्यान रखें, ऊंचाई पर भी उधर मैं बो दिया हूँ।
तो ये बाजार में आसानी से आप सूडान बोलें, जिनोरा बोलें, इस टाइप से बोलेंगे तो जो कृषि का दुकान है, बीज भंडार का जो दुकान है, उसमें बीज आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। जो कट्ठे में 250 ग्राम बीज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी 1600 स्क्वायर फीट के लगभग में आप 250 ग्राम बीज भी डाल देंगे तो आपका ये फसल रेडी है। और मैं समझता हूँ कि इसका जो कीमत है, क्योंकि मैं कृषि का मेरा दुकान भी चलता है और यानी कि बीज भंडार भी मेरा स्वयं का ही है, अभी चूंकि मैं इस फील्ड में पूरी रूप से रम चुका हूं, तो मैं मेरे जो जीजा जी हैं वो दुकान को संभालते हैं और बीच बीच में मैं वहां उसको जाके देखता हूं। तो एक केजी का रेट इसका 50 रुपये का होता है, लगभग 2-4 रुपया आगे पीछे हर साल ही का हिसाब किताब है। तो एक केजी का 50 रुपया है और एक केजी 4 कट्ठे में बोया जा सकता है। तो इस टाइप से इसको बो देने के बाद ये बिल्कुल आपको 2 माह होते होते फर्स्ट कटाई तक आ जाएगा। 2 माह में पहला कटाई इसका हो जाएगा और 2 माह के बाद जब पहला कटाई कीजिएगा उसके प्रत्येक 21 दिन बाद आपको कटाई होते चला जाएगा। फिर इसको किस तरीका से सिंचाई करना है और सिंचाई में क्या सावधानी रखना है, मैं अगला प्लॉट में जहां घास तैयार हो चुका है वहां मैं चलता हूं तो इसको डीपली समझाता हूं, क्योंकि इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये जान देता है, जान बचाता है, तो ये घास जान लेता भी है। ये बकरियों को ईटी का समस्या और अफरा की समस्या बिल्कुल पहुंचा कर देता है, यदि आपको जानकारी खिलाने का तरीका मालूम नहीं है तो। इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, भावनाओं को समझें। तो चलिए, मैं जो फसल लगभग तैयार हो चुका है, पूरी रूप से तैयार नहीं है लेकिन खिलाने लायक हो चुका है, तो उसको मैं वहां चल के बाकी चर्चा करूंगा, वीडियो में आपको बोर नहीं होना है। बस चलिए देखिए जिस तरीके, देखिए नेपियर है, ये सुपर नेपियर बोया हुआ है, ये मैं कृषि के भी के कृषि विज्ञान केंद्र से मैं लाया था, कुछ गुल्ले लाया था और एक एक पेड़ में देखिए 20-20, 30-30 गुल्ले निकल चुके हैं। ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको इसी में से निकाल के गुल्ले काट करके वो खेत में दिखाऊं लगा दूंगा, दूसरे खेत में, जो कि खेत मैंने आपको दिखाया था। और आप चाहें तो अगर खेत का जो मेड़ है वो मेड़ किनारे भी यहां से वहां लगा देंगे, जैसे कि लगा हुआ है, देखिए आगे तक लगा हुआ है। तो एक बार अगर आप 10 जगह भी लगा देते हैं, एक बड़ा बड़ा गुल्ला लाकर काट कर 10 जगह भी लगा देते हैं, तो 2-3 महीना होते होते वो इतने कन्नी मार देंगे कि आप चाहें तो उसको फिर आप 1-2 कट्ठे में लगा सकते हैं उस चीज को। तो अगर आप लंबा चौड़ा खेती अगर आपका होता है तो खेत के किनारे भी बो देते हैं तो आपका काम चल जाएगा। ये भी थोड़ा पसरा हुआ है, जैसे ये बड़ा होगा तो ऊपर की ओर जाएगा ये। और चूंकि मैं किसान हूँ, देखिए सब खेती मैं ही करता हूँ। उधर देखिए दवा का स्प्रे जो हो रहा है, मेरे बाबूजी स्प्रे कर रहे हैं। नेनुआ बोया हुआ है, भिंडी लगा हुआ है, प्याज की खेती है। तो मैं बकरी पालन में इसीलिए सीना तान के बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करता हूँ, क्योंकि मैं खेती बाड़ी से भी बकरियों के लिए हरा चारा उपजा लेता हूँ। तो विकल्प यह है, बस यही है कि अगर आपके पास साधन हो कुछ तो ही बकरी पालन में आए, क्योंकि जबरदस्ती कोई काम आप कर नहीं सकते। हाँ, मेहनत आप कर सकते हैं लेकिन साधन चाहिए, नहीं तो खर्च आपका सही बात है कि ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, जो मैं बोला था कि सुडान जिनोरा जिसे ढट्ठा वगैरह बोला जाता है, तो ये देखिए ये लगभग तैयार हो चुका है। हालांकि ये भी और बढ़ेगा लेकिन इसे अब हम खिला सकते हैं। तो इसको मैंने 3 पार्ट में लगाया है, एक तो आपको मैंने दिखाया, एक बीच में और लगा हुआ है खेत जिसको मैं नहीं दिखा पाया, और ये है जो सबसे बड़ा हो चुका है। तो जैसा कि मैं बताया कि बीज बोने के बाद 2 माह में ये तैयार हो जाता है, इसको हम काट के खिलाना शुरू करेंगे। तो इसमें सावधानी है बरतना है साथियों, वीडियो का मतलब यही है कि मैं पहले ही बोला कि आप जानते हैं इसको, लगभग 80-90% लोग इस फसल को जान रहे हैं। तो इसको क्या करना है कि जब ये छोटा पोजीशन में रहे, जैसे ये तो बड़ा हो गया खिला सकते हैं, जब ये 4 से 5 यानी 1 बित्ते का ऊंचाई का रहे और पीला रूप में हो, यानी कि नया नया पौधा भी खड़ा होना शुरू हुआ हो, पूरा हरापन नहीं आया हो, उस हालात में आपको नहीं खिलाना है, वो टॉक्सिन उसमें होता है। या मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी घास, चाहे खेत का जंगली घास है या कोई भी घास है, बिल्कुल कोपल उसका अभी नया निकला हो, यानी कि वो भी बीज से बाहर आया हो, 4-5 इंच का ही पहुंचा हो, तो बकरियों को आप नहीं खिलाएं, उसमें टॉक्सिन का मात्रा होता है। हाँ, हाइड्रोपोनिक का बात अलग है, वो छांव में होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया उसमें कम होता है तो उसमें टॉक्सिन नहीं हो पाता, लेकिन जो खेत में खड़ी फसलें हैं उनको ज्यादा छोटा में आपको नहीं खिलाना है, वो पूरा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके पूरा रूप से तैयार हो जाए, और जो भी आप समझ लें ये प्रैक्टिकल मेरा किया हुआ है, जब हरे रूप में आ जाए तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम उसका 1 फीट का ऊंचाई हो जाए तो ही इस्तेमाल में लाएं, हालांकि ये 7-8 फीट तक हो जाता है। तो मैं इसको अभी शुरू कर दूंगा, फिर ये बढ़ते चला जाएगा, ये चलता रहेगा। दूसरी बात है कि देखिए खेत में मॉइस्चर है, नमी है। जब खेत सूखा हुआ हो, बिल्कुल खेत सूखा हुआ हो, तो उस हालात में इस फसल को ले जाके बकरी को आपको नहीं खिलाना है, आपको उसको पहले पटवन करना है। पटाई पट गया खेत यानी सिंचाई हो गया, तो सिंचाई हो जाने के 3 दिन या 2 दिन बाद ही उसको चारे के रूप में इस्तेमाल करें,
क्योंकि यदि सूखा हुआ खेत का आप ले जाके बकरियों को खिलाते हैं जिसमें खेत सूख चुका है, तो उसमें टॉक्सिन हो जाता है, जहर का मात्रा बन जाता है उसमें, सीधी भाषा में समझ जाइए तो पॉइजन तैयार हो जाता है वो। और उसको अगर बकरियों में खिलाते हैं तो आपको अफरा, बिल्कुल अफरा को आप निमंत्रण दे रहे हैं, बहुत ज्यादा चांस है कि बकरियों को अफरा हो सकता है, इंट्रोटॉक्सिमिया उफन सकता है, यानी आंत में जहर फैल सकता है। तो कभी भी इस फसल का इस्तेमाल तभी करें जब जमीन में मॉइस्चर हो। यदि खेत सूखा है किसी कारणवश आप उसको सिंचाई नहीं कर पाए, तो उस दिन वो बकरियों को अब उसको नहीं खिलाना है आपको, पहले सिंचाई का व्यवस्था करना है, सिंचाई कर लेना है, उसके 2 से 3 दिन बाद उसको कटाई शुरू करना है। और अगर मैंने, मेरा कहने का मतलब है कि प्रत्येक 15 से 20 दिन में एक सिंचाई आपको एनी हाउ इसको देना है, चूंकि ये गर्मी का फसल है। फिर इसके बाद बरसात आ जाएगा तो बरसात में भी चलता है, तो बरसात में तो ऑटोमेटिक बारिश हो ही रहा है तो उस समय पानी की आवश्यकता नहीं पड़ता, लेकिन बाय द वे बारिश अगर ना हो और खेत सूख गया हो तो आपको उस समय पटवन कर देना है। लेकिन अभी चूंकि गर्मी का समय है तो इस समय आपको प्रत्येक 20 दिन पे पानी देते चले जाना है और खिलाएं। और चूंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में जब बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाएगा, तो थोड़ा सा भी काटते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरा पहले ही इतना दिन का एक्सपीरियंस है कि अगर जितना में एक गाय खाती है ना, उतना में 20 बकरी को आराम से पाला जा सकता है। तो खिलाने में अगर इस तरीका से व्यवस्था करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उतना खर्च नहीं है कि जोड़ने से आपका कैलकुलेटर हैंग कर जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दिया हमारे दर्शकों को, और उम्मीद है इसका जरूर लाभ लेंगे वो लोग, और जानते भी होंगे लेकिन करते नहीं है, और आपकी वीडियो के माध्यम से जरूर वो करेंगे, ऐसा मुझे भी विश्वास है और आपको भी विश्वास होगा। तो ये जानकारी दोस्त कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस तरह के और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।